हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल गया है। विज के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। करीब 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े हैं और तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पर एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, उसके बाद सियासत गर्मा गई। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया कि इस घटना का उनके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज आंदोलन में हो रही घटनाओं पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल गया है, ऐसे में उनकी नजर इन घटनाओं पर बनी हुई है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, हम उसका संज्ञान ले रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम कर रहे हैं। वास्तव में तो अगर कोई आंदोलन होता है तो उसको संभालने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के नेताओं की होती है, परंतु ये तो बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आंदोलन किसान नेताओं के हाथ से निकल चुका है। वहीं गृह मंत्री के बयान पर भाकियू के महासचिव डंपी पहलवान ने कहा कि देश भर में हो रही निंदा और हार को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी वो धरना खत्म नहीं करेंगे। गृह मंत्री जी को हम ये बता देना चाहते हैं, किसान आंदोलन पहले भी किसानों के हाथ में था, आज भी किसानों के हाथ में है और हमने संयुक्त मोर्चा ने पीएमओ में स्पेशल पत्र भी लिखा, क्योंकि पीएम की तरफ से पहले बार बार ये बात कही गई है कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं, किसान एक कॉल करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने स्पेशल उसके लिए भी पत्र लिखा और ये इस तरह के बयानबाजी जो गृह मंत्री जी कर रहे हैं, ये हर जगह की, पूरे भारतवर्ष में हर जगह इन लोगों की निंदा होने लग रही है, इन लोगों की बुराई होने लग रही है आरएसएस और बीजेपी की, तो ये उस अपनी हार और अपनी निंदा को देख के उन चीजों से बौखला कर ये इस तरह के बयान देते हैं। किसान आंदोलन जिस दिन यहाँ आके बैठे थे, अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, आज पूरे 7 महीने होने को जा रहे हैं 26 तारीख को, किसान अनुशासन में और उसी तरह अपनी मांगों को लेकर बैठा है और किसान ने कोई भी गलत काम यहाँ पे नहीं किया है और इन लोगों को ये बहम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि किसान बीच में उठ के अपने घर चला जाएगा। वही भाकियू के दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह डागर ने गृह मंत्री के इस बयान पर अफसोस जताया है। अच्छा हुआ हमने कम से कम हरियाणा प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उनसे ये उम्मीद ना थी कि किसानों को इस तरह की भाषा में बात करेंगे, किसान आंदोलन को तोड़ने का काम करेंगे। हम तो गृह मंत्री जी से ही सरकार से बताना चाहते हैं कि हमारा लगातार 7 महीने से ढांसा बोर्ड चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, हम किसान हैं, 36 बिरादरी भाईचारा हम मजबूत है, हम जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम रुकने का काम करेंगे। किसान नेता कपूर सिंह गुलिया का कहना है कि इस आंदोलन को सरकार जाट आंदोलन के तर्ज पर ले जाना चाहती है। गुलिया का कहना है कि सरकार इस आंदोलन को एक जाति विशेष का आंदोलन बनाकर आंदोलन को खत्म करना चाहती है। हमारा कहना है जी, जैसी इनकी सोच है, ये 2016 में जो एक जाट आंदोलन चल रहा था तो उसको ये जो है उसी रूप में बीजेपी गवर्नमेंट ले जाना चाहती है। ये हमारे आंदोलनकारी गलत नहीं है, एक जाति विशेष का इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको अच्छे ज्ञान नहीं है, इन्हें ये नहीं पता कि रोडों पर किसान और मजदूर बैठा हुआ है और वो पूरे देश की भलाई के लिए बैठा है, अपना भला बाद में, पहले वो अपने गरीब और मजदूर का भला चाहता है और उसी के लिए ये आंदोलन 200 दिन से पार हो चुका है। उधर किसान नेता दलजीत सिंह ने सरकार पर बांटो और राज करो की नीति का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। भाई साहब, ये पार्टी जो है
दलित समाज और किसान समाज की सदा से विरोधी रही है। उन्होंने देखा कि दलित समाज पूरी तरह से किसानों के साथ है, तो वो इस एकता को कभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपने आज़ादी से पहले भी देखा होगा, इनकी नीति ये रहती थी कि बांटो और राज करो। अंग्रेजों के ये पिट्ठू थे, उन्हीं की नीतियों को ये लागू कर रहे हैं। दूसरी चीज हम कहेंगे, इन्होंने फिर से जाति विद्वेष फैलाने के लिए टीकरी बॉर्डर पर भी अपने लोगों के द्वारा एक आत्महत्या को, अपने विधायक द्वारा, अपने एमपी द्वारा उसको हत्या घोषित करने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने बलात्कार वाले मामले में भी ये कहना कोशिश की थी, तो हम ये कहेंगे कि ये सरकार की साजिशें हैं और ये साजिशें हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। बता दें कि 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन 7 महीने बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला। इस बीच लगातार आंदोलन पर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।